हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर अकेडमी पे। मैं संजय आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में खास चर्चा हम करने वाले हैं और खास चर्चा जो है वो है रेलवे एग्जाम को लेकर के। तो हाँ जी हाँ दोस्तों, रेलवे ने हाल ही में एक नया अनाउंसमेंट कर दिया है और जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रेलवे एग्जाम ने NTPC की वैकेंसीज की घोषणा यहाँ पे कर दी गई है। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कौन से सेक्शन में कितनी पोस्ट यहाँ पे पूछी गई हैं और कौन से सेक्शन में कितनी रिक्वायरमेंट यहाँ पे निकाली गई हैं। तो इन सभी के बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही में इस वीडियो में हम आपको अलग अलग सेगमेंट के अलग अलग जो भी सिलेबस रहने वाला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही में सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, फॉर्म कहाँ पे अप्लाई करना है, फीस कितना है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो वैकेंसीज का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है, अकाउंटेंट जो क्लर्क एंड टाइपिस्ट है उनके लिए यहाँ पे 361 वैकेंसीज यहाँ पे रखी गई है रेलवे के द्वारा। दूसरा यहाँ पे टिकट क्लर्क की अगर हम बात करें तो 1985 वैकेंसीज पे टिकट क्लर्क की वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। साथ ही में जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है, जूनियर क्लर्क जो है साथ ही में जो की टाइपिस्ट है उसकी वैकेंसी, उसकी अगर पोस्ट की अगर हम बात करें तो 990 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई हैं। साथ ही में ट्रेनी जो क्लर्क हैं, ट्रेनी क्लर्क हैं उनके लिए 68 वैकेंसीज हैं टोटल। तो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी कि NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसीज हैं, अंडर ग्रेजुएशन की जो वैकेंसी हैं वो है यहाँ पे 3404 वैकेंसी, ठीक है। आगे हम बात करें कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएशन लेवल, ये तो है अंडर ग्रेजुएशन यानी कि 12th पास पे। अब हम बात कर रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसीज की। तो ग्रेजुएशन लेवल में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गुड्स ट्रेनिंग मैनेजर की जो है पोस्ट है वो है 2684 वैकेंसीज हैं। साथ ही में स्टेशन मास्टर की अगर हम बात करें तो 963 वैकेंसी यहाँ पे स्टेशन मास्टर की हैं। चीफ कम्युनिकेशन कम टिकट सुपरवाइजर की अगर हम बात करें तो 1737 वैकेंसीज यहाँ पे हैं। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की अगर हम बात करें तो वो है टोटल 725 वैकेंसी, ठीक है। ऐसे ही कुल मिलाकर टोटल वैकेंसीज अगर हम बात करें तो रेलवे ने अभी हाल ही में NTPC की 10,884 वैकेंसीज पे ये भर्ती रिलीज यहाँ पे कर दी गई है। आगे हम बढ़ेंगे वीडियो में। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का जो मेन पर्पज़ है मेरा यहाँ पे लेने का वो है कि आप भी जो NTPC का एग्ज़ाम होने जा रहा है, इससे पहले रेलवे ने लोको पायलट्स के जो फॉर्म हैं वो अप्लाई करवा लिए थे, ठीक है। तो लोको पायलट में जो जिन्होंने फॉर्म भरा है उनके लिए सिलेक्शन पोस्ट का सिलेक्शन या पोस्ट चेंज करने का ऑप्शन आ चुका है। तो जो भी अपना पोस्ट यहाँ पे चेंज करना चाहता है लोको पायलट में वो चेंज कर सकता है, कैटेगरी चेंज कर सकता है। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं NTPC की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम बताते हैं आपको कि इसमें NTPC की एग्जाम जो समरी है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जॉब रोल की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो उसमें NTPC जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेंस क्लर्क कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स एंड गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर और कमर्शियल अप्रेंटिस एंड स्टेशन मास्टर की यहाँ पे टोटल आपका जॉब रोल रहने वाला है। जॉब लोकेशन की अगर हम बात करें तो अक्रॉस इंडिया लेवल पे ये वैकेंसीज आई है आपकी। साथ ही में अगर टोटल वैकेंसीज की हम बात करें तो 10,884 वैकेंसीज हैं। फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही रहने वाला है यानी कि ऑफलाइन कोई भी फॉर्म आपको जमा नहीं करवाना है, सारा ही प्रोसेस जो है वो ऑफलाइन यानी कि ऑनलाइन होने वाला है, ठीक है। अगर हम क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 12th लेवल और अन्य ग्रेजुएट लेवल के कैंडिडेट जो हैं वो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट 18 साल से लेकर के 30 साल तक आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन अगर हम बात करें NTPC की तो CBT फर्स्ट होने वाला है, साथ ही में CBT 2 होने वाला है, स्किल टेस्ट होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, उसके बाद होने वाला है आपका मेडिकल टेस्ट, ठीक है। तो आपको इन 5 प्रोसेस से गुजरना होगा NTPC एग्जाम के लिए, CBT फर्स्ट, CBT 2, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट। फॉर्म आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं उसका लिंक यहाँ पे आपको दिया गया है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मेंशन कर दूंगा, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्ट आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे इसमें दिया गया है कि अंडर ग्रेजुएट पोस्ट विथ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें यानी कि 12th पास के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या रखा गया है वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि 12th पास वाले कैंडिडेट जो हैं वो कौन कौन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इसमें।
ये एक स्टूडेंट को सबसे बड़ा मतलब कंफ्यूजन होता है कि 12th पास वाले कौन कौन से एग्जाम के लिए रेलवे में एनटीपीसी में एलिजिबल हैं। तो ये सबसे बड़ा टास्क है, आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो अगर स्किप किया तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ग्रेजुएशन वाले कौन कौन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और 12th लेवल वाले कौन कौन से फॉर्म अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए 12th लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको चार पोस्ट यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है, जिसमें पहला है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, यानी कि 990 पोस्ट जो है वो 12th लेवल वाले भर सकते हैं। आगे हम बात करें अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की, तो वो यहाँ पे 361 फॉर्म यहाँ पे पोस्ट जो है अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की हैं। साथ ही में ट्रेनर ट्रेंस कलर की अगर हम बात करें तो 68 वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं, और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो है यानी कि टिकट काटने वाले जो हैं उनकी जो पोस्ट है वो 1985 यानी कि 1985 वैकेंसी यहाँ पे आई हैं। तो जब मैं बात करूँ 12th पास के जो भी स्टूडेंट हैं या जो भी कैंडिडेट हैं, वो कुल टोटल वैकेंसी अगर हम बात करें तो 3404 वैकेंसी यहाँ पे 12th लेवल के कैंडिडेट्स के लिए निकाली गई हैं। आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल के लिए कौन कौन से फॉर्म कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे दी गई है गुड्स ट्रेन मैनेजर की, अगर हम बात करें तो 2684 वैकेंसी हैं, और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसकी वैकेंसी है 1737। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी की हम बात करें तो 725 हैं। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट 1371 वैकेंसी हैं, और स्टेशन मास्टर की अगर हम बात करूँ तो 9963 वैकेंसी यहाँ पे टोटल हैं। ग्रैंड टोटल की अगर हम बात करूँ ग्रेजुएशन लेवल पे ग्रैंड टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करें 7479 टोटल वैकेंसी यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल के लिए दी गई हैं। तो ऐसे ही कुल मिलाकर के प्लस टू और ग्रेजुएशन लेवल टोटल मिलाकर 10884 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है रेलवे के द्वारा। आगे हम बात करें तो फीस स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं। काफ़ी स्टूडेंट के कन्फ्यूज़ रहता है कि फीस कितनी रेलवे यहाँ पे लेने वाला है और कितनी फीस मेरे को यहाँ पे जमा करवानी है। तो अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से अलग अलग फीस का फॉर्मेशन यहाँ पे किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए कुल टोटल मिलाकर 500 रुपये यहाँ पे जमा करवाना है, और ये जो फीस है ये आप कैसे जमा करवा सकते हैं, तो ये आप जमा करा सकते हैं कि बैंक चार्जेस और सब चीज़ इसमें इंक्लूड हैं, और ये फर्स्ट स्टेज सीबीटी के लिए यहाँ पे दिया गया है। सेकेंड अगर हम बात करें तो जो कैटेगरी हम बात करें एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वोमेन एक्स सर्विस मैन ट्रांसजेंडर माइनॉरिटीज और इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो हैं उनके लिए जो फीस रखी गई है वो रखी गई है 250 यानी कि 250 रुपये। आगे हम बढ़ते हैं और आगे इस देखिए इसमें आपको जो बताया गया है क्वालिफिकेशन जो है कैंडिडेट होल्डिंग मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन टू एलिजिबल अप्लाई, यानी कि बाकी जो भी बच गए वो कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो देखिए कमर्शियल अप्रेंटिस जो है सीए, ठीक है, और ट्रैफिक अप्रेंटिस इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क असिस्टेंट स्टेशन मास्टर गुड्स एंड गार्ड्स सिलेक्शन ट्रैफिक असिस्टेंट वो अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन वाले। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि एज ए सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट सीनियर टाइमिंग कीपर्स जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट ये जो है ये भी ग्रेजुएशन डिग्री यहाँ पे होना उनके लिए अनिवार्य है। आगे हम बात करें तो जो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो यहाँ पे दिया गया है, आपके सामने देखिए बोर्ड पे लिखे हुए हैं 5 पॉइंट्स, इनके आधार पे ही आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी यानी कि सीबीटी फर्स्ट यहाँ पे आपको देना है। देन सेकंड आएगा आपको सेकंड स्टेज ऑफ सीबीटी यानी कि CBT 2 यहाँ पे होने वाला है। फिर उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट हो गया, स्किल टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पे आपका रहने वाला है। आगे होगा होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और देन उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन आपका रहने वाला है। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी यहाँ पे। आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं एग्जाम्स पैटर्न की। तो देखिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो ये वाला पोर्शन होता है एग्जाम्स पैटर्न का, ठीक है। तो एग्जाम्स पैटर्न यहाँ पे दिया गया है जो कि फर्स्ट स्टेज जो है आपका होने वाला है सीबीटी फर्स्ट, ठीक है, और उसका एग्जाम पैटर्न यहाँ पे आपको दिया गया है। और अगर हम मैं माइनस मार्किंग की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो माइनस मार्किंग जो रहने वाली है वो 1/3 यानी कि एक अगर 3 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो 1 नंबर आपका यहाँ पे कट हो जाएगा, ठीक है। टाइम की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बी शॉर्ट लिस्ट शैल बी 20 टाइम्स, यानी कि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भरे जाएंगे उनके 20 गुना की लिस्ट यहाँ पे जारी की जाएगी, यानी कि 20 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पे पास किया जाना है।
ठीक है, आगे हम सिलेबस की बात करें तो देखिए सीबीटी फर्स्ट जो है उसमें आपके सिलेबस में दिया गया है कि मैथमेटिक्स जो है वो आपकी 30 की क्वेश्चन रहेंगे और 30 ही नंबर का आपका रहने वाला है, यानी कि एक क्वेश्चन एक नंबर, टोटल कुल मिलाकर यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 100 नंबर के रहने वाले हैं। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं 30 मिनट के लिए। जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूँ तो 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं 40 मार्क्स के। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और आगे जो दिया गया है वो स्टेज टू यानी कि सीबीटी टू यहाँ पे दिया गया है और सीबीटी टू में भी सेम प्रोसेस है आपका, और इसमें जो माइनस मार्किंग है वो 1/3 यहाँ पे रहने वाली है और 120 मिनट यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो 120 क्वेश्चंस ही यहाँ पे हैं और आपको जो टाइमिंग दिया गया है वो 90 मिनट का, यहाँ पे 90 मिनट के ही अंतराल में आपको पेपर पूरा करना है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स में 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 35 नंबर रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की मैं बात करूँ तो रीजनिंग में 35 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं और 35 नंबर के ही आपके मार्क्स रहने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस अगर मैं बात करूँ जीए की तो वो रहने वाला है 50 नंबर का और 50 क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग स्किल टेस्ट की अगर हम बात कर लें तो स्किल टेस्ट में आपको क्या रहने वाला है, क्वालिफाई इन नेचर, ठीक है, प्रकृति के अनुसार क्वालिफाई होना चाहिए। साथ ही में एट टाइम द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी कॉल्ड टाइपिंग टेस्ट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है उनको 8 गुना की लिस्ट यहाँ पे जारी की जाएगी जिनको यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कलरकम टाइपिस्ट की जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे दिया गया है कि 8 गुना कैंडिडेट्स की लिस्ट यहाँ पे जारी की जाएगी। 8 गुना कैंडिडेट्स को टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जितनी भी वैकेंसी यहाँ पे कलरकम टाइपिस्ट की हैं उन कैंडिडेट्स को 8 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया जाएगा। और अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो इसमें दी कैंडिडेट्स वुड बी एबल टू टाइप 30 वर्ड पर मिनट, यानी कि कम से कम आपको 30 वर्ड पर मिनट में यहाँ पे आपको लिखना है, साथ ही में इंग्लिश में। ठीक है, आगे हम बात करें 25 VPM हिंदी में, यानी कि 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपको यहाँ पे टाइप करना है। ठीक है, और ये पर्सनल कंप्यूटर ओनली विदाउट एडिटिंग टूल्स एंड स्पेल चेक फैसिलिटी के हिसाब से आपको यहाँ पे करना है, यानी कि कोई भी गलती की गुंजाइश यहाँ पे नहीं रखी गई है, कोई भी एडिटिंग टूल्स यहाँ पे यूज नहीं किया जाना चाहिए और पर्सनल कंप्यूटर होना चाहिए वो विदाउट एडिटिंग टूल्स के। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं तो ये आपका टोटल एनटीपीसी का जो है इस बार का नोटिफिकेशन है आपके सामने, और आपको जानकारी कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही में एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी हैं तो जो भी कैंडिडेट्स रेलवे एग्जाम के लिए और रेलवे परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और रेलवे में जॉब लगने का सुनहरा अवसर सजोए बैठे थे उनके लिए बेहतरीन अवसर है। तो इसी के साथ वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ, और कैसे लगी आपको जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही यूजफुल और बेहतरीन जानकारी लेकर के आता रहूं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, टाटा बाय बाय।